एस यू रेडी ओबर ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव पोर्टल गाइज एक ऐसा चैप्टर जो हर एक ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव इंजीनियर को पता होना चाहिए नो no मैटर आप एम एस नाइन हंड्रेड का कोर्स कर रहे हैं या एम एस वन जीरो वन का या एम एस हंड्रेड का एडमिन लेवल पे सिक्योरिटी लेवल पे या फंडामेंटल पे दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन क्योंकि फंडामेंटल में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि एस यू रेडी की हेल्प से अब अपने यूज़र अकाउंट को मैनेज करते हैं उनको कंट्रोल करते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली जो आगे इन फ्यूचर आप कोर्स करेंगे लाइक वन ज़ीरो वन या वन जीरो वन डबल जीरो इस उस केस में एडी डी की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी तो आज की इस क्लास में हम आपको हेल्प करने वाले हैं टू मैनेज द एज यू रेडी एंड ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव यूजर्स मैनेजमेंट मीन्स एज यू एक्टिव डायरेक्टी की हेल्प से आप कैसे अपने ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव के यूजर्स को मैनेज करने का काम करते हैं एन नंबर ऑफ़ फीचर्स सारा अवेलेबल एज यू रेडी की हेल्प से हम यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं लेट मी गाइड यू अबाउट द पॉइंट्स मीन्स इन पॉइंट्स लेट मी गाइड अबाउट द फीचर्स ऑफ एज यू रेडी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं फीचर्स या फिर सर्विसेस ऑफ एज यू रेडी ठीक है सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूज़र कैसे हम यूज़र क्रिएट करते हैं देन यू नो दैट अबाउट गेस्ट यूजर अकाउंट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बल्क यूज़र क्रिएट करने का ऑप्शन एज रेडी हमें प्रोवाइड करता है यू कैन क्रिएट अ बल्क यूजर्स वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन एम एफ ए की सेटिंग्स एम एफ ए कैसे मैनेज करते हैं यू कैन कॉनफिगर द एस ठीक है सेल्फ सर्विस पासवर्ड रिसेट भी हम इसी के थ्रू मैनेज करेंगे नंबर सिक्स कस्टम डोमेन को भी हम यहां से ऐड कर सकते हैं राइट इफ यू ऑन टू एड अ कस्टम डोमेन देन एज यू रेडी ऑप्शन कैन आल्सो हेल्प अस नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स आर सर्विसेज आर अवेलेबल लाइक एज यू कैन से दैट हाइब्रिड सेटअप ठीक है हाइब्रिड सेटअप क्या होता है इफ यू ऑन टू एड योर ऑन प्रोमाइस ए राइट कनेक्ट टू ऑन प्रोमाइस ए डी अगर आपने ऑन प्रोमाइसिस ए डी के साथ डोमेन कंट्रोलर के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो विच इज कंसिडर एज ए हाइब्रिड सेटअप कनेक्ट टू ऑन प्रेम ए डी जो आपने सर्वर ट्वेंटी ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्सटीन में इस्टेब्लिश कर रखा है जो डोमेन कंट्रोलर उसको आप अगर ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव को पोर्टल के साथ ऐड करना चाहते हैं शिकनाइज करना चाहते हैं यूजर्स को देन हाइब्रिड कमिट टू दिक्चर एंड विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड वी आर एबल टू मेक अ कॉम्युनिकेशन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट क्योंकि फंडामेंटल में इन चीज़ों को क्लियर करना है एंड उसके बाद जो ट्रबल शूटिंग का पार्ट आता है बेसिकली वो ट्रबल शूटिंग की एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं जो एम एस वन जीरो वन होता है या एम एस हंड्रेड जो एडमिन लेवल के कोर्सेज होते हैं उनमें बट अभी के लिए हम आपको गाइड करने वाले हैं रिलेटेड टू द एज एक्टिड एक्टिव सर्विसेज आम जस्ट कोइंग लॉग इन आवर ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव पोर्टल पहले हम यहाँ पे अपने ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव पोर्टल को लॉग इन करा लेते हैं एंड विल गाइड यू अबाउट पोर्टल डॉट ऑफिस डॉट कॉम ठीक है और जो भी आपने साइन अप किया है फ्री ट्रायल अकाउंट जो क्रिएट कर रखा है उसके जरिए आप अपने मीन्स uh, पोर्टल को लॉग इन कर लेंगे तो लेट मी लॉग इन विद टीच उस सेवेंटी फोर सिक्स डॉट ऑन ठीक है ये मेरी मेल आईडी है जिसका यूज करके हमने साइन अप किया था एंड ओपन आवर एडमिन सेंटर माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर ओपन करेंगे क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर विल प्रोवाइड यू एक्सेस ऑफ एज ई रेडी ठीक है यह हमने यहाँ पर लॉग इन किया अभी दिस इज एडमिन पैनल एंड इट विल री डायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्सटी फाइव एडमिन सेंटर और एडमिन सेंटर पर हम क्या करेंगे विच एस नीड टू क्लिक ऑन सो ऑल ठीक है बिलिंग के बारे में भी बात करेंगे बट अभी थोड़ा सा एज यू रेडी के बारे में बात कर लेते हैं दिस इज एज यूर एक्टिव डायरेक्ट्री क्लिक करेंगे एज यूर एक्टिव डायरेक्ट्री विल रीड डायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ एक्टिव एक्टिव डोमेन सर्विसेज मीन्स एज योर एक्टिव एक्टिव डोमेन सर्विसेज दैट हेल्पअस टू मैनेज लॉर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारा चेंजेस किया है इसके लुक के रिगार्डिंग मीन्स इसका जो डैशबोर्ड है काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है सर्विसेज भी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी एड हो तो लेट मी गाइड यू ईच एंड एवरी पॉइंट जिससे आप रियल uh, इन्वॉर्मेंट में ऑफिस थ्री सिक्सटी फाइव के पोर्टल को Azure AD के जरिए कैसे मैनेज करते हैं या एजू रेडी के जरिए कैसे ऑफिस थ्री सिक्स के यूजर्स को मैनेज करते हैं दिस इज दैनल ऑफ एजी ठीक है हमने सेम अकाउंट को लॉग इन किया है सेम अकाउंट जो हमने एडमिन सेंटर के लिए यूज किया था उसी को हमने Azure रेडी के साथ ओपन करा लिया अब आप देखेंगे जितने भी यूजर्स आपने तैयार किए ना जो एडमिन सेंटर से यूजर्स तैयार किए थे उन सभी यूजर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी हाईलाइट हो जाएगी हमने यूजर पे क्लिक किया इट विल रीड आइट यू ऑन पेज ऑफ यूजर्स मैनेजमेंट आप देखेंगे यहाँ पे सभी यूजर्स एडमिन एडब्ल्यू एस एस यू जी सी पी ठीक है टेस्ट वन टेस्ट टू यूजर वन यूजर टू यूजर थ्री नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे हम क्रिएट कर रखे हैं क्लियर सो वॉट यू नीड टू डू आई एम गोइंग टू लॉग इन अवर यूजर विद द हेल्प ऑफ एडमिन लाइसेंस इसमें असाइन है क्योंकि हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं अबाउट द मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन और एस एस पी आर एडमिन को हमने लॉग इन किया दिस इज़ आवर एडमिन यूज़र कॉपी द यूज़र नेम दिस इज एडमिन एट द रेट टीचमी क्लाउड डॉट इन आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इनकॉग्नेटो बिजर्ट क्योंकि दूसरे पेज पे हमें ओपन करना है पोर्टल डॉट ऑफिस डॉट कॉम ठीक है यह हमने लॉग इन किया पोर्टल डॉट ऑफिस डॉट कॉम एटमिन एट द रेट टीचमी क्लाउड डॉट इन ठीक है इसको हम लॉग इन कराते हैं अपने यूजर को बाई यूजिंग अवर डिफॉल्ट पासवर्ड ठीक है लाइसेंस है तो इट मीन्स डेट आप सर्विस सभी सर्विसेज इसको यूटिलाइज कर पाएंगे जो भी आप सर्विसेज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नाउ वी सक्सेसफुली लॉग इन आवर एडमिन एट द रेट टीचमी क्लाउड डॉट इन आउटलुक पर जाकर के आप सभी मेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं लेट मी सो यू आउटलुक पे अगर हम चेक करते हैं क्लिक करते हैं तो आपको वेब मेल का एक्सेस दे देगा राइट वेब आउटलुक का एक्सेस दे देगा क्योंकि एफ थ्री लाइसेंस है तो एफ थ्री लाइसेंस में हमें केवल वेब एक्सेस मिलता है आप डाउनलोड नहीं कर सकते ठीक है वी आर एबल टू फाइंड ठीक है मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शन सारा अवेलेबल मल्टीपल ऑप्शन सारा अवेलेबल इन आउटलुक जो भी ऑप्शन है वो सभी इन्फॉर्मेशन आ रही है बट हमारा एजेंडा इसको और प्रोटेक्ट करना तो लेट मी गाइड यू अबाउट द बल्कि यूजर वगैरह भी यहाँ पे है भी हम डिस्कस करेंगे अभी हम बात करने वाले हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और थोड़ा सा एस के बारे में बात करेंगे ठीक है दिस टू इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू डिस्कस इन दिस क्लास ठीक है तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी हमने केवल पासवर्ड दिया यूज़र नेम प्रोवाइड किया और आपका यूज़र रेडी हो चुका है बट इन केस ऑफ इंक्रीज द सिक्योरिटी आपको एम तैयार करना पड़ेगा और एम के लिए आपका एडमिन सेंटर आपकी हेल्प करेगा क्योंकि हमने ये रूट अकाउंट से लॉगिन किया है हाउ वी कैन कॉन्फिगर इट तो आप यूज़र्स के पैनल पे आ जाओ जो भी जहाँ से यूज़र हमने तैयार किए थे जहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र्स हमें दिखाई पड़ते हैं उस यूज़र के आइकॉन पे आ जाते हैं उस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं जहाँ से यूज़र को मैनेज किया जाता है and we are able to find a number of option and we are able to find three dots aap is three dot pe click karoge to ye per user mfa ke page pe le jayega i am going to configure multi factor authentication to enhance the security of our user apne user ki security ko enhance karne ke liye सभी user हैं यहाँ पे but unfortunately I think सभी user को मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन से हट के रखा गया means disable रखा गया है आप एडमिन को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे इनेबल कर दीजिए रूट का काम ख़त्म यहाँ से ठीक है अपडेटेड सक्सेसफुली रूट का काम ख़त्म अब यूज़र का काम स्टार्ट होगा यहाँ से तो यूज़र के टास्क में क्या आएगा कि आप पहले तो इसको साइन आउट कर दो ठीक है यहाँ से आप साइन आउट कर दो साइन आउट करने के बाद जब आप साइन इन करेंगे तो ये आपसे फैक्टर ऑथेंटिकेशन के अगले स्टेप को पूछेगा अगला स्टेप आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा चलिए एडमिन को लॉगिन किया यहां पे हमने क्लिक किया एंड जो भी पासवर्ड आपने यूज किया है वो पासवर्ड आप दे दीजिए नेक्स्ट नेक्स्ट एंड अगेन एमएफए हमने बैक एंड से एक्टिवेट कर रखा है फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने बैकेंड से एक्टिवेट कर रखा है तो इट विल रीड यू ऑन पेज ऑफ फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें एम एफ ए के पेज पे ले जाएगा क्योंकि जो एम के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर या फिर आप जो मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप क्यू आर कोड को स्कैन करके वो सभी ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा इस पर्टिकुलर पेज पे मिलेगा तो आई वांटेड टू यूज़ डिफरेंट ऑथेंटिकेशन बट अनफॉर्चुनेटली एक ही ऑथेंटिकेशन ऐप है अगर आपको चेक करना है कि ये एक ऑप्शन क्यों दिखाई पड़ रहा है तो आप बैक आ जाएंगे एडमिन पर क्योंकि अभी अपने पास केवल मोबाइल अप्लीकेशन यानी क्यू आर कोड के जरिए ही केवल ऑप्शन आ रहा है ओटीपी का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो आप बैक आ जाइए एडमिन पे एज यू रेडी पे और यहां जस्ट नीड टू क्लिक ऑन पासवर्ड रीसेट पासवर्ड रीसेट पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन मेल एस एम एस यहाँ पे एक्टिवेटेड है मोबाइल ऐप कोड ठीक है यहां पर मोबाइल कोड हम और ऑफिस फोन आपको सेट कर देना आई थिंक अवेलेबल ऑन टेनेंट विद नॉन ट्रायल सब्सक्रिप्शन ओके इन दिस केस इन दिस केस वी आर एन टू यूज द अनदर मेथड कोई इशू नहीं इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं और एम को माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू मैनेज करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और इसको स्कैन करा लीजिए आप क्यूआर कोड स्कैन करते ही आपको एक कोड जनरेट होगा नेक्स्ट करेंगे वो कोड आपको मेंशन करना पड़ेगा यहां पे, लाइक फाइव एट फोर थ्री फाइव नाइन ठीक है ये कोड जो है अप्लीकेबल रहता है थर्टी सेकेंड के लिए तो आपको विद इन थर्टी सेकेंड ये कोड मेंशन करना होता है आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक नेक्स्ट डन कर दिया हमने मोबाइल एप्लीकेशन को और वी आर एबल टू एक्टिवेट द मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन हमने इसको एम एफ ए इसके लिए कॉन्फिगर कर दिया है एवरी टाइम अब जब भी आप इस यूज़र को लॉग इन करेंगे मीन्स ये अपना एटमिन एट द रेट टीचमी क्लाउड डॉट इन को जब भी आप लॉग इन करेंगे साइन इन करेंगे ये आपसे अप्रूवल मांगेगा आपके मोबाइल ऑथेंटिकेटर पर कोड भेज के ठीक है तो आई एम जस्ट गोइंग टू साइन आउट एंड साइन इन अगेन ताकि हम दिखा कि कैसे ये आपसे कोड मांगेगा एवरी टाइम पासवर्ड ये पहला लेयर फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो गई अब आप देखिए यहाँ पे कोड दे रहा है जो कोड आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप पे आया है उस कोड को जब तक मैंसन नहीं करेंगे ये हमें आगे बढ़ने नहीं देगा इट मीन्स डैट आप फटाक से जो भी मोबाइल आप जिसका इस्तेमाल करके आपने ऑथेंटिकेशन ऐप आप जहाँ पे जिस भी मोबाइल पे आपने कॉन्फिगर किया था उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और आपको इमीडिएटली वहाँ पे कोड आ जाएगा एक और मेथड होता है जिसमें आपको नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे अप्रूव करेंगे देन इट विल गिव यू द एक्सेस तो गाइज दिस इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन उम्मीद है कि आपको सभी स्टेप समझ में आ गए होंगे वीडियो थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से एस की सर्विस हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में mm -hmm. कवर करेंगे ओके अब्रीवन सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर मी क्लाउड यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए लोगों को बताइए ताकि वो बहुत ही मैंवर चार्ज में एक अच्छा खासा कोर्स अटेंड कर सकें थैंक यू गाइज टेक केयर पाए